कोसी में भूमाफियाओं द्वारा नगरपालिका परिषद की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द कर कब्जाने के मामले में कोसी नगरपालिका परिषद के चेयरमैन नरेंद्र सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस संबंध में दिए गए ज्ञापन में नगरपालिका कोसी के चेयरमैन ने कहा कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा महाराजा सूरजमल स्टेडियम के नाम से नगरपालिका की भूमि पर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव नगरपालिका द्वारा रखा जा चुका है, लेकिन कुछ भूमाफिया नगरपालिका की इस जमीन पर कब्जा करने और अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से फर्जी रजिस्ट्री कर जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुर्जर है और मैं नगर पालिका परिषद कोसी कलां का चेयरमैन हूँ, जो जिले की एक ही नगर पालिका है। और मैं यहाँ जो आज आया हूँ तो कोसी कला में एक हमारा बच्चों का एक खेल का मैदान है, जो स्टेडियम की ज़मीन है उस पर कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के और गलत पेपरों के आधार पर रजिस्ट्री करा ली है, तो उनके ख़िलाफ़ मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट दर्ज हो और ज़मीन को बचाया जाए, क्योंकि वो मजबूत और दबंग लोग हैं जिनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, तो उन्होंने वो रजिस्ट्री गलत तरीके से करा ली है। कल मैंने थाने में रिपोर्ट दी थी, एसओ साहब ने हमें बताया कि आप एक बार कप्तान साहब से मिल लें, डीएम साहब से मिल लें, बड़ा मामला है, 100 करोड़ से ऊपर की कम से कम ज़मीन बैठेगी। लेकिन मौके पर इस समय 3.5-4 एकड़ है और बहुत बड़ी ज़मीन है जो बच्चों खेलने का मैदान है, उसको रजिस्ट्री करा लिया जो हाईवे पर स्थित है NH2 पर, तो उसी के लिए कप्तान साहब से आज बात करने आया था। नवागत कप्तान है, नए हैं, बहुत अच्छा लगा और एक्टिव लगे। कप्तान सुंदर के साथ साथ में एक्टिव भी हैं, उन्होंने कहा भी था कि अभी कि हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने तुरंत आदेश कर भी दिया है कि एक बार CEO साहब को ये बता करके ये जो है केस मुकदमा दर्ज कराया जाए जिन लोगों ने इस तरह की रजिस्ट्री कराई है। तो मुझे अच्छा लगा और अपनी बात रखी है और अध्यक्ष होने का जो कर्तव्य निर्वहन वो हम कर रहे हैं, किसी भी सूरत में ज़मीन को घेरने नहीं देंगे, ऐसा हमें विश्वास है कि शासन प्रशासन हमारा साथ देगा और हमारी जीत होगी।